नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं टेक्निकल सागर यूट्यूब चैनल। मेरा नाम है अभिषेक सागर और आज मैं एक ऐसे टॉपिक के ऊपर बात करने वाला हूं जो बहुत ही कॉमन है, बहुत ही इजी है, लेकिन एक सुमित नाम का लड़का है जो कि सिक्स्थ स्टैंडर्ड में पढ़ता है। उसने मुझे कहा सर सेफ मोड क्या होता है, मेरे को मैसेज मिला। मैंने बोला आप गूगल कर लो ना, तो बोले सर गूगल नहीं, आप बताओ मुझे, आप छोटे छोटे टॉपिक नहीं बताते हो। मेरी बहन, मेरी सिस्टर भी देखती है तो वो बोलती है कि आपकी आधे से ज़्यादा वीडियो हमें समझ नहीं आती। खैर ये उन्हीं का कहना नहीं है, बहुत लोग कहते हैं जो मेरे जानने वाले भी हैं कि यार तू टेक्नोलॉजी के बारे में बताता है ठीक है, लेकिन यार तेरी आधे से ज़्यादा वीडियो हमें समझ नहीं आती, तू किस किस टर्म के बारे में बात करता है। अब जाहिर सी बात है साइबर सिक्योरिटी में बात करेंगे, काफ़ी थ्रेट्स वगैरह मैं इन सब चीज़ों की बात करेंगे तो लोग ज़्यादा नहीं समझ पाते। तो इसीलिए मैं ये सोच रहा हूँ कि यार मैं ऐसी वीडियोज़ भी कवर करूँ जो बिगिनर्स के लिए हों, जो नॉर्मल इंसान भी समझ पाए, हर कोई हैकर नहीं बनना चाहता। तो यही उसकी रिक्वेस्ट को एक्सेप्ट करते हुए मैं आज सेफ मोड के बारे में बात करने वाला हूँ कि सेफ मोड क्या होता है। एक आपको आइडिया दूंगा, एक नॉर्मल इंसान को बताऊंगा कि सेफ मोड क्या होता है। आप अपने विंडोज़ कंप्यूटर को चलाते हैं, आप उसमें तरह तरह के सॉफ्टवेयर इंस्टॉल करते हैं, तरह तरह के एंटीवायरस डालते हैं, तरह तरह के वीडियो एडिटर डालते हैं, वीडियो प्लेयर, VLC मीडिया प्लेयर, फोटोस्केप, फोटोशॉप, साउंड रिकॉर्डर, साउंड फोर्ज, वेगस प्रो, वंडरशेयर, फिल्मोरा, तरह तरह के सॉफ्टवेयर। कई बार ऐसा होता है कि कई सॉफ्टवेयर आपके कंप्यूटर में कुछ इस तरीके से घर कर लेते हैं कि वो आपको ख़राब कर देते हैं। जैसे कोई सॉफ्टवेयर करप्ट हो गया या कोई सॉफ्टवेयर प्रॉब्लम क्रिएट कर रहा है, किसी में स्पाईवेयर आ गया, तो वो सॉफ्टवेयर नॉर्मली हटते ही नहीं है। मतलब आपको अनइंस्टॉल करने जाओगे तो वो होते ही नहीं है, वो कई रूट किट में चल कुछ भी होता है, बहुत प्रॉब्लम क्रिएट कर देते हैं। तो ऐसे में विंडोज़ ने एक फीचर दिया, इवन विंडोज़ ने ही नहीं, मैक ओएस ने, एंड्रॉयड ने, सेफ बूट नाम है खैर मैक ओएस में, तो बहुत जगह सेफ मोड होता है। ठीक है, कंसेप्ट यही है, अलग अलग नाम शायद ऑपरेटिंग सिस्टम में हो सकते हैं, कंसेप्ट यही है। सेफ मोड किसी भी ऑपरेटिंग सिस्टम का, इस सिस्टम का वो मोड होता है जहां पर वो ऑपरेटिंग सिस्टम मिनिमम, मेरा मतलब है मिनिमम रिसोर्सेज के साथ ऑन होता है। जैसे कि अगर आपके कंप्यूटर में ग्राफिक कार्ड है, आपके कंप्यूटर में एंटीवायरस रन हो रहा है, या बहुत सारी साउंड कार्ड एक्सटर्नल लगा हुआ है, या और बहुत सारी चीज़ें लगी हुई हैं, सेफ मोड के दौरान वो एक्टिव नहीं होंगी। सेफ मोड में वही मॉड्यूल्स, वही चीज़ें ऑन होंगी जो एक बेसिक कंप्यूटर को चलने के लिए चाहिए, राइट? बेसिक कंप्यूटर को चलने के लिए साउंड की ज़रूरत नहीं है, लेकिन ये भी एक्सेप्शनल हो सकता है, कोई जिसको कोई दिखता नहीं है, कोई मतलब देख नहीं सकता है, तो उसके लिए तो वो कंपलसरी है भाई कि उसको तो जब वो सेफ मोड में ऑन करेगा तो आवाज़ चाहिए, क्योंकि वो बिना सुने तो कंप्यूटर चला ही नहीं सकता, राइट? लेकिन नॉर्मली हम बात करेंगे नॉर्मल इंसानों के लिए, उसके लिए साउंड ज़रूरी नहीं होती। ड्राइवर्स भी उतने ही लोड होते हैं, डिस्प्ले ड्राइवर लोड होगा, USB का ड्राइवर लोड होगा, और बहुत सारे ड्राइवर्स ग्राफिक कार्ड के अलग अलग उसके लोड ही नहीं होंगे अगर आपने एक्सटर्नल कोई ड्राइव लगाई हुई है। तो ये इसीलिए होता है ताकि आप ऐसे ड्राइव्स के साथ भी डायग्नोस कर सकें। डायग्नोस्टिक मोड में जाने के लिए होता है सेफ मोड, मतलब चीज़ों को ठीक करने के लिए। आप जो एक्स्ट्रा फीचर्स हैं उनको हटा सकते हो, उनके साथ छेड़खानी कर सकते हो, उनके साथ छेड़खानी आप तभी कर सकते हो जब वो रन नहीं कर रहे हो, राइट? आप जब कोई भी, आप मैं एग्जांपल बताता हूँ, ट्यूबलाइट का आपका क्या तार कट गया, तो क्या चलती ट्यूबलाइट में तार छू के ठीक करते हो? नहीं ना, पहले बटन ऑफ करते हो, तार निकालते हो, फिर टेप लगाते हो ताकि आपको करंट ना लग जाए। ऐसे ही जब कोई सॉफ्टवेयर खराब हो जाता है तो वो चलते हुए सॉफ्टवेयर को आप रिपेयर नहीं कर सकते हो, ना ही अनइंस्टॉल कर सकते हो अगर वो सॉफ्टवेयर पूरे कंप्यूटर में घर कर गया या बैकग्राउंड में रन करता रहता है, तो एज अ सर्विस रन करना था तो उस सर्विस को आपको एंड करना पड़ेगा, तभी आप उसको चेंज कर सकते हो। आपके साउंड कार्ड के सॉफ्टवेयर में कोई प्रॉब्लम आ गई, आप उसको हटाना चाहते हैं, तो रनिंग में आप नहीं हटा सकते क्योंकि वो रन कर रहा है, जब तक स्टॉप नहीं होगा। वो स्टॉप तभी होगा जब आप कंप्यूटर को उस सर्विस के बिना बूट करेंगे, उसी को सेफ मोड कहते हैं। समझ गए मेरी बात? कंप्यूटर को लिमिटेड रिसोर्सेज के साथ ऑन करना, इतने फंक्शंस के साथ ऑन करना ताकि उससे बेसिक वो बस ऑन हो जाए, उसमें हम हटाने का, प्रोग्राम हटाने का, कंप्यूटर ठीक करने का काम कर सकें, उसको सेफ मोड कहते हैं। ये कंप्यूटर को ठीक करने का एक मोड होता है जिसमें आप कमांड प्रॉम्प्ट वगैरह भी एक्सेस कर सकते हैं, वायरस वगैरह, रिसाइक्लर वायरस और कई तरह के मैलवेयर हटाने के लिए भी सेफ मोड का इस्तेमाल होता है। इसका प्रैक्टिकल चाहते हैं तो दुनिया भरी पड़ी है इसके प्रैक्टिकल से। अगर आप खुद भी चाहें तो F8 या फंक्शन की में जो भी आपके में दिया हुआ है विंडोज़ में उसको दबाएं, सेफ मोड आएगा, सेफ मोड के एंटर कर दें, बिना ग्राफिक कार्ड के अपना कंप्यूटर लोड होगा, जिसमें फॉन्ट शायद इतने अच्छे नहीं दिखेंगे क्योंकि ग्राफिक कार्ड वगैरह के जो भी ड्राइवर्स हैं वो सब लोड नहीं होंगे, साउंड कार्ड का ग्राफिक जो भी ड्राइवर है वो लोड नहीं होगा, और कई तरीके के जो भी ड्राइवर्स हैं वो लोड नहीं होंगे। बेसिक कंप्यूटर नजर आएगा, कोई भी फैंसी कुछ चीज़ नहीं होंगी, इवन ग्राफिक्स एनिमेशंस भी आपको बिल्कुल नज़र नहीं आएंगे, वो भी डिसेबल हो जाते हैं। समझ गए मेरी बात? तो सेफ मोड ये होता है। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो इसे लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। अगर आप चाहते हैं कि मैं ऐसे छोटी छोटी और मोटी बातों पर वीडियोज़ बनाऊँ तो कमेंट में मुझे ज़रूर बताइए, ऐसे टॉपिक्स मुझे कमेंट में ज़रूर बताइए ताकि मैं इनके ऊपर भी वीडियो बनाऊँ और हम आम लोगों को जो कि नए लोग हैं उनको भी कवर कर पाएँ।
मैं मिलता हूँ आपसे अगली वीडियो में। थैंक यू सो मच एंड गुड बाय।